में बिठा लिया ना रवि को, अब इसको चिढ़ लग गई, यहाँ देखना। बाद एक पप्पी मिल दी रवि को ले। ओ गाइस, सबके सब ठीठे भर के लेके आए हैं। एक एक ठीठा दे तो मुझे, दिखाता हूँ, मैं अपने दोस्तों को दिखाता हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यार, आज की जो व्लॉग की शुरुआत है ना, वो कुछ अलग जगह से शुरुआत हो रही है। और अभी हम जा रहे हैं बैलों को जंगल छोड़ने के लिए, ताकि वो जंगल में घास वास चर सके। और अभी चलते हैं, भाई चले गए नीचे एक, वो आजा आजा बल वहाँ से। हाँ गाइस, ये रहे अपने बैल, और ये तो यहीं पर पानी पी रहा है। ये मुन्ना की मम्मी है, इसके वो हटाते पीछे वो लगा हुआ है। हाथ हटा, हाथ से हाथ हटा, चिपक रखा है ना। भाग रहे हो। तो गाइस, ये है यार अपना अपना काम, जो भी घर में है ना। अभी मतलब हम लोग घर में रहते हैं ना, तो पहले तो हम भयंकर, पहले अलग ही मजा आता था, भयंकर बहुत ही अलग वाला एक्सपीरियंस होता था पहले का। पहले क्या होता था ना गाइस, एक्चुअल में जो पहले के दोस्त लोग थे ना हमारे, तो क्या हुआ? तो पता है क्या होता था, ऐसे हम बैल लगाने जाते थे, ये रोड के सड़क के रास्ते नहीं, हम ऊपर के रास्ते जाते थे, तो वहाँ से लगा के आते थे जंगल में, ठीक है। तो उस समय मतलब बाघ वाघ का भी डर नहीं था, और तो जंगल में बैल वैल लगा के आते थे। तो फिर जंगल में बैल लगा के आते थे, तो पता है बैल ना रात को आते ही नहीं थे, कितने दिनों तक का जंगल में रह जाते थे। पर हम लोग जाते थे लेने के लिए, कुछ तो मिल जाते थे, कुछ नहीं मिल पाते थे, क्योंकि पहले बाघ की तो बिल्कुल, बाघ का तो बिल्कुल भी डर नहीं था। तो अभी तो बाघ का ऐसा डर हो गया है ना कि क्या ही बोले। अब तो ऐसे छोड़ो ना भी ना, बहुत ज़्यादा खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पे छोड़ जाओगे ना भाई तो बहुत ही दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम जा रहे हैं अभी सामने छोड़ने के लिए, क्योंकि घर से जो है ना ये साथ सामने सामने दिखते हैं, बैल वगैरह सब कुछ दिखता है। और पहले हमारी जो बकरियाँ थी ना गाइस, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, तो ऐसे ही मतलब घूमती रहती थी, और हम घरों में चले जाते थे अपने अपने, तो गाँव की जो बकरियाँ होती थी तो ऐसे ही झाड़ियों में घूमती रहती थी, और हम चले जाते थे घरों में। और पहले मतलब बाघ का डर ही नहीं था यार, अब तो भयंकर, थोड़ी सी भी इतनी सी भी चूक हो गई ना तो बाघ सीधे उठा ले जाएगा। इस वो झाड़ियाँ ये हो गई हैं देखो, अब पता है पहले जो थी ना ये झाड़ियाँ ही नहीं थी, और ये देखो गाइस क्या ही झाड़ियाँ हो गई, मतलब बहुत ही खतरनाक वाली झाड़ियाँ हो गई है। और इधर देखो, ये सारे नीचे देखो, वहाँ हम नीचे क्रिकेट खेला करते थे वो नीचे, और यहाँ पे मतलब वहाँ से बकरियों को छोड़ दिया करते थे, तो हम एक दो बकरियाँ जो भी थी हमारी, तो ऐसे ही मतलब चरते 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 वो ऐसे तक आती थी ऐसे घूम घूम के। तो अब ना यहाँ पे छोड़ दोगे ना, वहाँ पे बैठोगे ना, यहीं से उठा के ले जाएगा भैया। ऐसे जैसे समय बीतता है ना, तो सब कुछ छूट जाता है। पहले जो मज़ा आता था ना बैल लगाने में, और बैल को लेके आने में जंगल से, जंगल जाते थे हम लोग तो बैल भी लेके आते थे, जंगल से लकड़ियाँ भी लेके आते थे, और ठीठे भी लेके आते थे, मतलब बहुत कुछ करते थे यार। और वो दिन तो अब आने वाले नहीं है। और अब तो यार समय के साथ ना सब बदलते भी जा रहे हैं, ऐसा ही है सीन, क्या ही करें। पर ये देखो गाइस, ये कितना यहाँ से कितनी डाउन है, देखो सड़क बहुत खतरनाक डाउन है, और ये जाती है, और ये देखो भाई साहब वो देखो, ये भी कभी भी उधर जाएगा, कभी भी मतलब गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा, जब बरसात का मौसम आएगा ना तो पक्का ही आ जाएगा। तू उधर को जा, अभी गिर जाएगा तो भयंकर, मैं तो जाऊँगा जाऊँगा साथ में, तू भी जाएगा दहेज में। चल ये देखो गाइस, उरी 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 उरी। इसमें नहीं चढ़ता हूँ, मैंने यहाँ से मार रखी थी, यहाँ से अच्छा उधर से उसमें मार रखी है मैंने। तो ये देखो यार, ये झाड़ियाँ हो रखी है, कितनी खतरनाक झाड़ियाँ हो रखी है। और सड़क देखो गाइस कितनी टेढ़ी मेढ़ी है, वहीं से जाओगे वहीं घूम के मिलोगे। और यही देखो, अभी कोई और लेके आ रहा है बैलों को, और हमारे बैल यहाँ चले गए हैं, क्योंकि हम जंगल में छोड़ देते हैं, पहाड़ों में यही काम होता है भाई, बैल बकरिया इन्हीं में थोड़ा सा रोजगार है, बैलों से हम खेती वेती कर लेते हैं। ए मुन्ना, टीणी नी 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 टीणी नी नी नी, हट रे यहाँ से, देखो व्यू क्या ही तगड़ा है। रवि नीचे मत जाना, गिर जाएगा भयंकर। हम अपने घर से काफी ज्यादा टॉप पे आ गए हैं, और ये सड़क भी इतनी खतरनाक डाउन है ना, यहाँ से बिना ब्रेक की जाती है गाड़ी भर करके। गाइस ये है रिट्ठू का पेड़, एक रिट्ठू उठा तो, ये भी है, ये कर दे ये वाला। हेलो,
हेलो, मैं सागर दादी नहती पे। गाइस, ये है रिट्ठू। पहले लोग इसी को पता यूज करते थे, और पहाड़ों में तो अभी भी यूज करते हैं बालों वालों में लगाने के लिए। खतरनाक घास बनता है इसके अंदर से। बाय बाय। अभी मैं और रवि निकल चुके हैं जंगल के लिए, तो घर में बोर हो रहे थे तो हमने सोचा है चलो जंगल चलते हैं। जंगल से लकड़ी वकड़ी ले आएंगे, गैस की ज़रूरत ही नहीं है हमें। फिर अगर जंगल से ये लकड़ी आ जाएंगी ना तो गैस की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक से हम जीते। और बता, तू यहाँ के लिए भरे हैं घाम ताकू में ताप हूँ बक्का डाली तरीके ये बुजू में इतनी फिर लगे बाघ हूँ। ठीक से हम मिलने हकत के फिर। हेलो, ठीक से बाय। ओके योगेश, चल रवि। इसी है जंगल का रास्ता, और वो जंगल है। और देखो यहाँ पे पहले भयंकर सही रास्ता था, अभी ये जो है ना बरसात में पूरा पहाड़ गिर गया था यहाँ से। और नीचे को देखो गाइस क्या ही हो रखा है। तो ये देख सकते हो आप, ये ऊपर से नीचे तक का गया हुआ है, और वो नीचे सड़क है। अरे गजब, ये यहाँ से पूरा टूटा हुआ है। पहाड़ों में यही दिक्कत है, बस रोड कट ही नहीं और ऊपर से गिरना शुरू हो गया मलबा। ये देखो गाइस क्या ही हो रखा है, नीचे सड़क है। तो यहाँ पे तो जरा सा गाड़ियाँ नहीं चलती, बहुत कम चलती है। तो ये लोकल सड़क है, तो यहाँ पर उतनी गाड़ियाँ नहीं चलती, गांव की चलती है। वो भी सब आप उधर वाली सड़क से चले जाते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं हो रही। ऐसे हम लेके गए हैं कुल्हाड़ी जंगल में, वहाँ से लेके आएंगे लकड़ियाँ। और पता है लकड़े ले आएंगे ना तो गैस वैस का चक्कर ही नहीं रहता। हम तो लकड़ियों पर ही खाना बनाते हैं पहाड़ों में, पर गैस का भी यूज़ करते हैं चाय वाय बनाने के लिए। ज़्यादातर मतलब लकड़ियों में ही खाना बनता है, और काफ़ी टेस्टी खाना भी बनता है इससे। थोड़ी सी मेहनत लगती है बट हो जाता है। जब गैस नहीं थी ना तब भी हम लकड़ियों से ही खाना बनाते थे, तो वही आदत है। और गैस की आदत तो डालनी भी नहीं भाई, यहाँ पे गैस सिलेंडर वाला आता ही नहीं है, लेट में आता है, बहुत लेट आते हैं। मतलब एक दिन छोड़ के आ जाता है, जैसे कि जिस दिन आना होता है उस दिन तो आता नहीं है। तो यार देखो जंगल कितना खतरनाक है यहाँ पे। चेक द साउंड गाइस, ये खाई नीचे और ये जंगल देखो भाई, ऐसे भी गधे। सो गाइस, अभी घर से हम काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे लग गई हमें पानी की प्यास। और यहाँ पे लिटरली ना इतना स्वच्छ पानी आता है ना, कहीं बोले मतलब मस्त पानी आता है। यही पानी हमारे गांव में भी आता है, पानी दियो। हाँ तो ये हाय हाय हाय, मुझे रवि ऐसे पानी दे रहा है। देखो क्या मतलब, ये गमला है, और ये देखो पानी कितना साफ है, खतरनाक। पर बह रहा ना पानी, बाप रे ठंडा कितना है ये। ना 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 गाइस, ये आ रहा पानी देखो कितना साफ है ना, और इतना ठंडा है ना, इतना ठंडा हो रहा है ना पानी, क्या है बोले मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है यार। और अभी हम गधेरे में चले गए, यहाँ पे पता है हमेशा बाघ दिखता है, और पक्का दिखेगा आज भी मुझे लगता है, क्योंकि अब लोग इसी रास्ते से जाते हैं, ऊपर वाले रास्ते से नहीं जाते, क्योंकि हमेशा वहाँ पर बैठा रहता है बाघ। ये है देखो गाइस गधेरे, अभी इसमें पानी कम है बट पर जब बरसात होती है ना तो काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता है, और पूरा साफ पानी है गाइस, पूरे पीने लायक है ये देखो। और इसके अंदर गुफा है बहुत तगड़ी वाली। चलो ऐसी झाड़ियां है देखो जंगल में, और इन झाड़ियों के बीच में तो बाघ छुपा ही रहता है हमेशा। तो यार फाइनली हम जंगल में एंट्री कर चुके हैं, और हालत खराब हो चुकी है भाई। मतलब तो यार इतने ज़्यादा नीचे से आ गए, देख रहा होगा आपको, बहुत नीचे से आ चुके हैं, और अभी काफ़ी ऊपर भी जाने हैं। और ये फुल टॉप वाली जगह है, और यहाँ पे मतलब बाघ का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। और मेरे साथ रवि है, हेलो रवि, छोटा था, बाकी तो देखेंगे। पर काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है यार, हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई है यार। और यहाँ पे पता है ठंड भी नहीं हो रही, क्योंकि चढ़ाई में चढ़ चुके हैं ना तो गर्मी सी लग रही है। और ये मैं एक तो 1.5 साल के बाद जंगल में जा रहा हूँ ऐसे लकड़ी लेने के लिए, तो यार हालत तो ख़राब होनी ही है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर लकड़ियाँ मिलती हैं हमें। ऐसे हम जंगल में ना क्रिकेट खेलने आते थे, और तब हम स्कूल पढ़ते थे, तो मतलब तब तो थकान लगती नहीं थी। अभी जब से बाहर गए हैं ना
तो थोड़ी सी थकान लगती है, पर चले जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं। ये क्या है? शूंत। ये चीड़ के पेड़ के पत्ते हैं ना। कहीं यहाँ पे सारे चीड़ की पेड़ी देखेंगे, देखने को मिलेंगे आपको। ये देखो, और इसी की लकड़ियाँ लेने जाएंगे हम। हा। गाइस, जंगल का रास्ता देखो कितना टेढ़ा मेढ़ा है और कितना उबड़ खाबड़, बहुत खतरनाक है ना। गाइस, आज से 10 साल पहले की बात है, जब हम जंगल में जाते थे ना, तो मतलब ऐसे किसी चीज़ की भी डर नहीं लगी रहती थी। बाघ तो था ही नहीं, बाघ था तो पर ऐसे आता नहीं था, दिखता नहीं था। पर अब ना गाइस, बाघ सीधे सामने से चले जाता है, सामने से मतलब शिकार कर लेता अपना, जैसे हमारी बकरियां हो गई, बैल वैल हो गया, इन सब का। और वो झुंड पे आते हैं करीब 10 से 12, 4 से 5 ऐसे ही। तो यार, जंगल में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल सा हो गया, क्योंकि एक तो झाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई है जंगल में। कहाँ से जाना है रवि? तो गाइस, रवि तो लेने आए हैं ठीठे, और मैं लेने आया हूँ लकड़ी। और ठीठे इसलिए लेने आए रवि क्योंकि ठीठे बहुत जल्दी जलते हैं और आग सेकने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। मतलब आग काफ़ी जल्दी जलती है और आग भी बहुत जल्दी जलती है, और ठीठे भी काफ़ी सारे चले जाते हैं। तो यार, अभी तक तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं कि क्या ही बोले, थोड़ा सा विश्राम करते हैं ऊपर, फिर बातें करते हैं वहाँ पे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं जंगल में। यहाँ पे कुछ दोस्त लोग भी मिल गए हैं गांव के, देखते कौन कौन है। और काफ़ी टॉप टॉप में बैठे भाई, दो बंदे टॉप पे बैठे हुए हैं, एक बंदा कहाँ पता नहीं। ठीठे लेने आए हैं ना ये भी, ये देखो सिला, क्या सिला है ना, मस्त। जंगलों में ऐसे ही हमारे, और वो देखो कितना बड़ा पत्थर है। फाइनली गाइस, पहुंच चुके हैं, लकड़ियाँ भी मिल गई है। फ़ोन आ गया था हमें भाई लोगों का कि भाई जंगल में लकड़ियाँ हैं, और ये बैठे है देखो परी, ये अपने दूसरे चैनल में भी देखोगे। या गजब, ये देखो गाइस कैसे जगह पे बैठे हैं हम लोग। ये देखो कितना खतरनाक पत्थर है। हाय हाय, फिसलूंगा जा। तो फाइनली गाइस, अभी हमें लकड़ियाँ भी मिल चुकी है जंगल में आके, और यहाँ पे देखो कौन बैठा है। ये देखो, ये तो रबी है, मेरे साथ आया था, और पीछे लकड़ियाँ दिख रही हैं, यहीं पर ही है गड्ढे में। तो पहले लकड़ियाँ वकड़ियाँ बना लेते हैं, उसके बाद बैठते हैं, काम पहले हो जाए ना तो अच्छा ही है। और देखो गाइस, ये पूरा व्यू करवाता हूँ। देखो, पहले हम नीचे क्रिकेट खेलने जाते थे, वहाँ आते थे, और व्यू देखो, अरे शर्मीले। ये देखो, ये परी है, और ये रवि है, और व्यू देखो गाइस, चेक द साउंड। तो गाइस, ये पड़ा हुआ है पेड़, और ये हमने लकड़ी लगा दी यहाँ पे, और लगेंगी। और वो नीचे उन लोगों ने ठीठे वीटे भर लिए, अभी इनको इसको बना लेते हैं पहले अच्छे से, फिर लेके चलते हैं इसे। ठीक है गाइस, अपनी लकड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं, और अब रखते हैं इसको कंधे में, और सीधे जाना है भाई नीचे, काफ़ी ज़्यादा डाउन है, अब तो जल्दी पहुँच जाएंगे। और ये पेड़ कैसे टूटा है देखो, आधे में से टूटा हुआ है, क्योंकि सड़ गया ना, काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया। हाँ गाइस, कभी आपने ठंड में पसीना होते देखा है? ये देखो, और अभी हमने लकड़ियाँ रख ली हैं और चलते। रास्ता तो बहुत ख़राब है भाई, और मेरे पास है जूते पाँव में, तो फिसलने की डर लगी रहती है। फिलहाल चलते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, फिसलेंगे तो फिसलेंगे भाई। ये देखो गाइस, रास्ता भी खतरनाक है, अरे गजब, रास्ता बहुत खतरनाक है, पर कुल मिला के चलो रही। आ जा रवि, टोप टोप रख ले यार, अभी टोप पहन ले, चलो। तो निकल आया हूँ उन लोगों से आगे, और मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट भी हो रहा है इसमें, काफ़ी ज़्यादा भारी भी है ये, और वैसे तो डाउन है, पर काफ़ी समय के बाद लेके जा रहे हैं ना, ले जाने में दिक्कत सी हो रही है। फिलहाल चलते हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा ख़राब रास्ता है, और अगर ये ख़राब रास्ते में निकल लेंगे ना तो सही होगा, फिर रास्ता ठीक आ जाएगा ना, नीचे से चौड़ा चौड़ा। मैं तो थक गया, और मैंने यहाँ पे बिछा भी लिया है थोड़ा सा विश्राम करने के लिए, थोड़ा बैठते हैं यहाँ पे। और अभी तक वो लोग आए नहीं हैं, वो काफ़ी पीछे हैं, मतलब मैं जल्दी आ गया था। सारी लकड़ी है ना गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा भारी हो रही है यार, पर सूखी है, उतनी भारी भी नहीं है, बट रास्ता ही ऐसे ही है। मैं यहाँ पे मेड भी आए हुए हैं, हमें पता ही नहीं था। ये देखो गाइस, एक मेड चला गया, रवि, रवि रुक ले तू यहीं पे, तुम जाओ भाई आगे को। और रवि कैसे फेंक रहा है, अरे 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 अरे, और सगरी तू पनवा निकलो। तो गाइस, सबके सब ठीठे भर के लेके आए हैं, एक ठीठा दे तो मुझे दिखाता हूँ, मैं अपने दोस्तों को दिखाता हूँ। ये
ये देखो गाइस, ये ठीटा, अरे कैसे ठीटा दे रहा है छड़ा मड़ा टू टाड़ी। अच्छा ठीटर दे, बढ़िया वाला ठीट दे यार। यो चलते हैं फिर, क्या हो तो गया। ये देखो गाइस, ये होते हैं ठीटे, और ये जलते इतने तगड़े ना बहुत ज्यादा। और कितने कट्टे चले गए, एक दो तीन दिन दो पांच पांच। यहाँ से सुसु कर रहा है गधे, नीचे को यहाँ पे नहीं जा सकते है। सीना लगा रहा हूँ इसका। गाइस बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, और अभी सागर लोग जो है आगे चले गए हैं और हम लोग पीछे हैं तीन लोग। हमने सोचा थोड़ा आराम करके आते हैं, पर अब जो आराम कर लिया ना तो और भी भारी लगने लग गया। सीधे चले जाते तो ठीक ही रहता। तभी कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा, भारी लग रहा। ये देखो कितना काट के आ रहा है ये बंदा, बाप रे। वो तो जूते हैं ना तो फिसलते हैं। अभी काफी नीचे जाना है, वहीं पे बिछाएंगे अब तो, वहीं पर ही आराम करेंगे, थोड़ा सा पानी वानी पिएंगे जहाँ पे हम पानी पी के आए थे। और भाई वाट लग गई है जंगल में, टाइम 1 बज गया भाई, 12 बजे आए थे हम। यार हाँ फाइनली पहुँच चुके पानी के पास, और पसीना देखो गाइस, ठंड में भी पसीना हो रहा है। और रवि अभी पानी देगा फटाक से, रवि जल्दी से दे दे यार, पसीना भी हो गया, भारी भी हो गया यार सच में, अब तो दर्द करने लग गया, दुख रहा गाइस बहुत ज़्यादा। यार तो यार अभी थोड़ा सा पानी पी के ना राहत से मिल गई है, बट दर्द तो अब खतरनाक वाले होने वाला है, कल होगा, आज तो खैर नहीं होने वाला है क्योंकि कल पता चलेगा। क्योंकि एक तो हम काफ़ी चढ़ाई में चढ़ के भी गए हैं और डाउन में भी आए हैं वो भी लेके, और ये पानी कैसे दे रहे देखो भाई। बस हो गया, थैंक यू, धन्यवाद भाई। पहाड़ों में ऐसा ही होता है, लकड़ियों में ही खाना बनाते हैं, मगर गैस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर गैस ख़त्म भी हो गई ना तो लकड़ियां हैं अपने पास जिंदाबाद, है ना। तो अभी यहाँ से फिर चलते हैं घर, और मौसम भी ऐसा लग रहा है जैसे कि भयंकर बरसात होने वाली है। देखो ये ऐसे ही होने वाला है। पे अभी परा पानी पिएगा, देखते हैं कैसे पानी पीता है। और यहाँ पे रबा पानी पिएगा, रबा, और ये परा की ठीटे हैं, ये रबा की ठीटे, ये मेरी लकड़ी। अभी चलते हैं घर को सीधे ही, पानी वानी पी लिया, थोड़ा सा विश्राम काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा आराम बहुत है, फिर ज़्यादा आराम कर रहे हैं ना तो फिर भारी और भी लग रहा है। तो अभी चलते हैं, एक तो काफ़ी दूर से ले आए भाई, बहुत तगड़ा। अभी चलते हैं घर, अभी सीधे घर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है सीन। रबिया क्या हो रहा है इधर, ले बहुत हल्के है ना, बहुत भारी है गाइस, मेरे लिए हल्का है पर रवि के लिए बहुत ज्यादा भारी। कस लागनो रवि इत्थे दिख दी, सही लागनो, सही लागनो, चल पे जा ते हीट पे आराम आराम हम मुणू जरा सी, तू तो वहां भरे। तो फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं, पहली घर यहां छत पे कभी पहली बार आया हूं, मम्मी डांट रही थी देखो, वो छुप रहा मेरे पीछे। चैन बाद ना मत रहे उसे, ना ना बाद मत, जुलू काटे से ऊपर मत आने देना, आजा जुलू काटे से, जुलू ओलू ओलू।
गोद में बिठा लेना रवि को, अभी इसको चीड़ लग गई, यहाँ देखना। देखो 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 देखो, अरे जुलू वहाँ तू भी बैठ जा गोदी में, वो देख वहाँ देख। अब क्या होगा, वहां देख पप्पी मिल रही रवि को, ले अब क्या होगा जुली, कैसे जाएगा तू? गाइस अभी ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।